मैं डॉक्टर आरपी सिंह होम्योपैथी चिकित्सक आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। यदि आपको किसी भी रोग से संबंधित कोई समस्या हो तो मेरा वीडियो देखें। मैंने अब तक लगभग सभी रोगों के लक्षण अनुरूप उपचार वाली वीडियो बना रखी है। यदि आपको परामर्श लेना हो तो मेरे क्लिनिक पर आएं। मैं आपको होम्योपैथी की दवा आर्सेनिकम एल्बम के सिम्टम्स और यूजेस बताने जा रहा हूँ। यह दवा सभी अंगों और तंतुओं पर घोर शक्तिशाली प्रभाव करने वाली एक अचूक औषधि है। इसके केवल साधारण लक्षण ही इसके लाभदायक प्रयोग में सहायता देते हैं। इनमें सर्वव्यापी कमजोरी, शिथिलता, बेचैनी, रात में रोग बढ़ना बहुत प्रभावशाली लक्षण हैं। जोरों से परिश्रम पर घोर शिथिलता आना और इनके साथ रेशों की उत्तेजना, यह उत्तेजनापूर्ण दुर्बलता इसकी विशेषता बताती है। जलन वाले दर्द, न बुझने वाली प्यास, गर्मी से कम न होने वाली जलन, समुद्र तटीय रोग, फल खाने का बुरा असर, खासकर रसदार फल, जीवन के अंतिम काल में शांति और आराम देता है। जबकि ऊंची शक्ति में दिए जाए तो भय, चिहुकन और चिंता, हरे स्राव, बालकों का कालाजार, मदपान रोग, दुर्गंध विकार, डंक बीस, स्वच्छंदन के समय आए घाव, तंबाकू चबाने, सड़े भोजन या मांस का बुरा असर, स्राव बदबूदार, हर साल पैदा होने वाली बीमारियां, इन सभी अवस्थाओं में आर्सेनिक एल्बम अत्यंत उपयोगी दवा है। रक्तहीनता और दुर्बलता, नष्टात्मक परिवर्तन, यहाँ तक पोषण की कमी से धीरे धीरे दुर्बलता हो उसमें भी रक्त रस की आलोक निर्वर्तन संख्या कम करता हो, मारात्मक अवस्था में शरीर का पालन पोषण करता हो, चाहे रोग कहीं पर भी हो, इसका उपयोग सार्थक होता है। मलेरिया विष से पीड़ित शरीर, रक्त विष संक्रमणता और जीवन शक्ति की कमी, सब में ये दवा उपयोगी है। अब लक्षण अनुसार कहाँ कहाँ आप इसे प्रयोग में ला सकते हैं। घोर संताप और बेचैनी मन में हो, बराबर जगह बदला करें, भय मौत का, अकेले छोड़ दिए जाने का घोर भय और ठंडा पसीना, रोगी सोचता है कि दवा लेना बेकार है, आत्महत्या की प्रवृत्ति, देखने और सुनने का भ्रम, निराशा उसको जगह जगह घुमाती है, कृपण, डाही, खुदगर्ज, कायर, सर्वसंवेदनीयता अधिक हो, कोई अव्यवस्था और मानसिक गड़बड़ी सहन ना कर सके, ऐसे रोगी के लिए यह दवा अमृत है। सिर में दर्द ठंडक से कम हो परंतु दूसरे लक्षण बढ़ें, बधे समय पर जलन आए, बेचैनी के साथ दर्द और ठंडा चर्म, अर्धक पाली, चांद पर बर्फ जैसी ठंडक और बहुत कमजोरी के साथ खुली हवा में सिर उत्तेजित हो, शराबी की बकवास, कोसता और चिल्लाता रहे, दुष्टता करे, सिर बराबर हिलाता रहे, खोपड़ी की खाल पर असह्य खुजली, मंज के चकत्ते, सिर खुरदुरा, मैला, सूखी पपड़ी वाला, रात में जलन और खुजली हो, रूसी झड़ें, खाल बहुत उत्तेजित, बाल ब्रश से झाड़ नहीं सकता, ऐसे रोगी के लिए भी यह दवा बहुत लाभदायक है। आँख से संबंधित आँखों में जलन हो, तीक्ष्ण आंसू आती हों, पलक लाल घाव वाले पपड़ीदार उभरे हुए हों, दानेदार, आँखों के चारों तरफ सोत हो, बाहरी सूजन, अधिक दर्द के साथ जलनदार गर्म तीक्ष्ण पानी बहे, पुतली पर घाव हो, प्रकाश असह्य हो जाए, बाहरी सेक से कम पलकों का स्नायु जलन दर्द के साथ हो, कान के लिए
भीतरी चर्म कच्चा और वहाँ जलन हो, पतला तीक्ष्ण दुर्गंधित मवाद कान से बहे, दर्द के समय कानों में गर्जन हुआ करे, तो यह बहुत लाभ करती है। नाक में पतला तेजाबी पनीला श्राव हो, नाक बंद लगे, छींक बिना आराम, मौसमी फ्लू और जुखाम जो खुली हवा में बढ़े, मकान के अंदर आराम मिले, जलन और रक्तस्राव हो, नाक पर मुहासे चर्म का यक्ष्मा हो, चेहरे के लिए सूजा पीला धुधला रोगग्रस्त मुरझाया हुआ ठंडा पसीनेदार त्वचा हो, कष्टमय भाव हो, फरन सुई गड़ने जैसा दर्द जलन हो, होठ काले हो गए हो, गहरे लाल क्रोधी गालों पर घेरेदार लाली बनी हो, तो यह दवा बहुत लाभ करती है। मुंह के लिए अस्वस्थ मशूनों से खून बहना, मुंह में घाव सूखापन और जलन के साथ होठ का कैंसर, जवान सूखी साफ और लाल, जबान में चुभन और जलन के साथ दर्द हो, घावदार नीलापन बना रहे, खूनी लार आए, दांतों का स्नायु शूल लंबे और दर्दीले, आधी रात के बाद कष्ट बढ़े, सेकने से कमी आए, कसैले स्वाद होता हो, मुंह में जलती लार आए, गला के लिए गला सूजा हो, सेतमय हो, सिकुड़ा जलन निगल न सकने की स्थिति हो, रोगिणी जैसी झिल्ली जो सूखी और सिकुड़ी हुई दिखाई दे, आमाशय आँखों को देखना या उसकी गंध भी सहन न कर सके, बहुत प्यास लगे, अधिक पानी पीना मगर थोड़ा थोड़ा करके, खाने या पीने के बाद मिचली आती हो, उबाल आती हो, पेट के तल में बेचैनी जलन दर्द, काफ़ी और तेजाबी चीज़ें पीने से इच्छा करती हो, गला जले तेजाबी और कड़वी चीज़ें डकार के ऊपर आए जो गला छीलती मालूम दे, बहुत लंबी डकार आए, वमन भोजन पित्त हरा श्लेष्मा का कत्थई काला खून मिला हुआ, आमाशय अति स्पर्श कातर कच्चा जैसे फाड़ा या तोड़ा जा रहा है, जरा सी खाने या पीने से आमाशय सूल हो जाए, सिरका तेजाबी चीज़ों से मलाई की बर्फ से बर्फ का पानी तंबाकू से अनपच आमाशय विकार के साथ घोर भय और दम घुटने जैसी संभावनाएं बनी हो, बेहोशी बर्फ जैसी ठंडक घोर शिथिलता अरिष्ट लक्षण, निगली हुई चीज़ें गले की नाली में अटकी हुई मालूम पड़े जो बंद मालूम दे, जैसे कोई चीज़ें नीचे न उतरेगी, वनस्पति भोजन खरबूजा रसदार फल खाने का बुरा प्रभाव होता हो, दूध की प्रबल इच्छा होती हो, उदर कुतरन आँख के अंगारों की तरह जलन दर्द हो जो सेकने से कम हो जाए, जिगर और तिल्ली बढ़ी हुई और दर्दीली मालूम कर हो, जलोदर और सर्वांग सोथ उदर सूजा हुआ और दर्दीला हो, खांसने पर उदर में घाव जैसा दर्द हो, मलांत्र का दर्द कांच निकलना कुंठन मलांत्र और गुदा में जलन और दर्द होता हो, मल छोटा दुर्गंधित गहरे रंग का बहुत शिथिलता के साथ हो, रात में खाने और पीने के बाद अधिक आमाशय की ठंडक से अधिक मदपान से बासी दूषित मांस खाने से भी पेचिस गहरे रंग का खूनी बहुत दुर्गंधित मल हैजा घोर कष्ट शिथिलता जलन प्यास शरीर बर्फ जैसा ठंडा महसूस हो बवासीर आग जैसी जले सेकने से कम हो गुदा के चारों तरफ चमड़ी छिल जाए तो ये दवा बहुत लाभकारी है। मूत्र रोग थोड़ा जलता हुआ अनिश्चित मूत्राशय को जैसे लकवा मार दिया गया हो एल्बुमेन उससे ज़्यादा निकलती हो कौशिक झिल्लियाँ रेशों के छोटे कण गोल टुकड़े मवाद और सूजन एवं खारिश हो पेशाब करने के बाद उदर में कमजोरी आती हो ब्राइट का रोग जिसे ओजोमेह या मधुमेह भी कहते हैं। स्त्री रोग में भी ये बहुत लाभकारी है। मासिक धर्म बहुत अधिक और बहुत जल्दी होती हो डिम्बाशय क्षेत्र में जलन प्रदर तेजाबी जलनदार दुर्गंधित पतला दर्द जैसा लाल गरम तार लगने से हो जरा से परिश्रम से बढ़ जाए
बहुत थकावट हो, गर्म कमरे में कम हो जाए, अधिक घाव वास्ती में कड़क के साथ दर्द जो जांघों तक बढ़े। श्वास यंत्र के लिए भी ये दवा बहुत लाभकारी है। लेट ना सके, दम घुटने का भय लगे, वायु नलियां सिकुड़ी हुई हों, दम्मा आधी रात को अधिक, सीने में जलन, दम घुटने वाला नज़ला, खांसी आधी रात के बाद और चित लेटने से बढ़े, बलगम थोड़ा झागदार हो, दहिने फुफ्फुस के ऊपरी तिहाई भाग के आर पार भाला गड़ने जैसा दर्द हो, सांस में साय साय की आवाज़ होती हो, खूनी थूक कंधों के बीच में दर्द के साथ सभी जगह जलन होती हो, सूखी खांसी, गंधक के धुएं जैसे पीने के बाद रोगी ऐसा महसूस करे। दिल की रोग में भी यह बहुत कारगर है। दिल का धड़कन तेज हो जाए, दर्द, कष्टदायक सांस, मूर्छा आए, तंबाकू पीने और चबाने वालों के लिए दिल की तेज नाड़ी सवेरे अधिक तेज चलती है, उनके लिए भी ये बहुत लाभकारी है। नीले रोग, चर्बी जमा होना, सूल पीठ और सिर की जड़ में दर्द के साथ जो उत्तेजना आती है, उसके लिए यह दवा अमृत के समान है। पीठ पिठासे में कमजोरी, कंधों में खिंचन, पीठ में जलन और दर्द हो, अंग का कंपन, फड़कन, झटके लगना, कमजोरी, भारीपन, असुविधा, पिंडली में ऐठन, पैरों की सूजन, गृध्रषि जलन के साथ दर्द, प्रांतस्थ नाड़ी मंडल की सूजन, सल, मधुमेह, सड़न, एड़ी पर घाव, तीक्ष्णता के साथ निचले अंगों का पक्षाघात हो, यह दवा चर्म रोग के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। खुजली, जलन, सूजन, सोत, फरन, दाने सूखे, खुरदुरे, पपड़ीदार, ठंडक से और खुजलाने से बढ़े साघांतिक दाने, गंदे बदबूदार स्राव वाले घाव, कैंसर, जहरीले घाव, जुलपुत्ती, जलन और बेचैनी के साथ अपरस जिसे सोराइसिस, कठिन अर्बुद, शरीर पर बर्फ ऐसा ठंडापन, चर्म का कैंसर हो रोग, सड़न और प्रदाह में यह लाभकारी है। नींद ना आती हो तो रोगी को आराम इससे मिल जाता है। सिर को तकिए से उठाए रहे, नींद में दम घुटने के हमले हों, हाथों को सिर पर रख कर सोता हो, स्वप्न चिंता और भय से भरे हो, निद्रा रोग। ज्वर, यदि रोगी को ज्वर है, ऊंचा ताप है, बधे समय पर आने वाला ज्वर जो कमजोरी लिए हो, गंदगी से आया ज्वर, सविराम ज्वर, अपूर्ण हल्के स्पष्ट शिथिलता के साथ मौसमी फ्लू, ठंडा पसीना, आंतरिक ज्वर, कुछ समय के बाद पूर्ण शिथिलता, प्रलाप, आधी रात के बाद अधिक, बहुत अधिक बेचैनी, करीब 3 बजे सुबह बहुत गर्मी लगे, दांत पर मैल हो। इस दवा की मात्रा 3 से 30 शक्ति तक अत्यधिक प्रयोग में लाई जाती है। कभी कभी उच्चतम शक्ति से सर्वोत्तम लाभ होता है। नीचे की शक्ति आमाशयिक, आंतरिक और गुर्दों की बीमारी में और ऊंची शक्ति स्नायु शूल, स्नायु रोग और चर्म रोग में। लेकिन अगर ऊपरी शरीर के रोग पर आवश्यकता हो तो 2x या 3x का विचूर्ण देना अत्यंत लाभकारी होता है और इन दवाइयों को दोहराना भी लाभदायक है। धन्यवाद।